हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे फाइकस के कटिंग की बात करूंगी। देखिए, फाइकस है, ये फाइकस के कई नाम होते हैं, बेंजामिना, और वो मैं ना उस चीज में नहीं पढ़ती हूँ, मेरे को कभी भी याद नहीं रहते कौन सा क्या है। बस मुझे ये पता होता है ये फाइकस की वैरायटी है। तो फाइकस की कटिंग्स लगाने का ये बहुत अच्छा टाइम है। फाइकस जो है ना, इतना वर्सेटाइल प्लांट है, इंडोर में रखो आप, आउटडोर में रखो, धूप में रखो, और इसको आप हेज बना लो। इसकी देखिए, जैसे ये बना हुआ है इस तरह से, इसकी हेज के लिए बहुत अच्छा प्लांट है ये, टॉपियरी बनाने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। तो ये इतना वर्सेटाइल प्लांट है, इसके जितने पौधे हों घर में, मेरे पास बहुत सारे फाइकस हैं अलग अलग साइजेस में, छोटी से एक बोनसाई टाइप से लेकर और बड़े बड़े पौधे हैं। तो मैं इसकी जो है ना, छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है। इस मौसम में आप इसकी थोड़ी बहुत प्रूनिंग करेंगे तो छोटी छोटी कटिंग इसकी इतनी इतनी तक कटिंग लग जाती है। थोड़ी बड़ी भी लग जाएगी, लेकिन इतनी इतनी ये जो कटिंग्स है ना, इतनी इतनी ये कटिंग भी लग जाती है। हमारा क्या है, हम साथ में थोड़ी बड़ी कटिंग भी ले लेते हैं। ये देखिए, जब हमें प्रून करना होता है तो बड़ी भी आ जाती है साथ में। कटिंग हमेशा इसकी जो है ना, वो 4 इंच से ज्यादा तो कभी नहीं होनी चाहिए। और इसकी कटिंग आप 2-3 इंच की भी, जैसे ये वाला दिख रही है आपको, ये अगर मैं इसको भी एज अ कटिंग लगाऊंगी ना, तो ये भी एज अ कटिंग इसकी बहुत अच्छी चलेगी। बस ये देखिए, इतनी इतनी सी कटिंग जो है ना फाइकस की, ये इतनी इतनी सी कटिंग बहुत अच्छी रूटिंग होती है। अगर हमें थोड़ा सा, हम कोई कर रहे हैं प्रून कर रहे हैं और हमें थोड़ी सी बड़ी, जैसे अब ये हल्की सी ब्राउन मिली है, तो ये भी लग जाएगी। लेकिन सब कटिंग इसकी लग जाती है, छोटी छोटी भी लगती है। मेन चीज ये है, आज हम ये लगाते हैं तो आप इसी पे बात करते हैं आज हम। देखिए, ये कटिंग जब भी लें, लेके ऐसे पानी में डालें, धूप में कटिंग ना लें ऐसी कोशिश करें। अगर नहीं उपाय है, आप कहीं गए हैं ले रहे हैं, तो धूप में ले लें। और अगर आप जैसे कहीं गए हैं वहां पे पानी ऐसे अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई पानी की बोतल नहीं होती बिस्लेरी की, उसमें पानी लेके कटिंग को डाल दें, नहीं तो कोई थैली होती है ना प्लास्टिक की जिसमें सामान आता है, बस उसमें अपनी कटिंग्स डाल दें और थोड़ा सा पानी डाल दें, तो बस आपकी कटिंग्स को हाइड्रेशन रहेगा उसमें, उसमें आपकी कटिंग्स को पानी की, मॉइस्चर की कमी नहीं होगी। बस क्योंकि जैसे ही हम कटिंग को यहाँ से काटते हैं ना, यहाँ से मॉइस्चर लॉस शुरू हो जाता है। तो अब हम इन कटिंग्स को हमने ले लिया है और देखिए अब लगाते हैं। देखिए, ये नीचे की सारी पत्तियां, इनकी कटिंग्स की हम हटा देंगे। जैसे मैं पहले भी आप लोगों को बताती हूँ, ये पत्तियां क्या होता है, पत्तियों से वाटर लॉस होता है एक तो, इसकी सरफेस से ट्रांसपिरेशन। दूसरा क्या होता है पत्तियों से, कि पत्ती को फोटोसिंथेसिस करती है। हम कहेंगे जी कटिंग के लिए खाना बनाती है, और आप कह रहे हो इसको हटा देना चाहिए, लेकिन ये खाना बनाने के प्रोसीजर में इसको पानी भी चाहिए होता है। हमारी जो कटिंग है उसमें जड़ तो है नहीं, तो वो पानी कैसे पहुंचाएगी कटिंग को, मतलब पत्ती को। तो इसलिए पत्ती का कोई यूज नहीं है ये ज्यादा फोटोसिंथेसिस। तो एक आधी पत्ती इसलिए छोड़ते हैं कि वो जो हम स्प्रे करते हैं ना पानी इसके ऊपर, या जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है बारिश के दिनों में, तो उसके कारण जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो यूज कर लेगी एक आधी पत्ती, और थोड़ा बहुत खाना बनाती रहेगी हमारे कटिंग के लिए। और वैसे कटिंग में नहीं भी होना एक आधी पत्ती, तो भी कटिंग जो है वो वैसे ही चलती है, जो उसके अंदर खाना स्टोर होता है ना उसी से ही चलती है। और इसीलिए कटिंग कहते हैं सुबह के टाइम लो, कि सुबह के टाइम जो हम कटिंग लेते हैं ना, उसमें खाने का लेवल रात भर का उसको पहुंचाया हुआ होता है, जड़ों ने खाना सबसे मैक्सिमम होता है। ये देखिए, तो ऐसे मैं ये सारी कटिंग्स तैयार कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए थोड़ी सी बड़ी, ये देखिए ये मेरा बड़ा पौधा है, इसकी ऐसे कटिंग तो हम करेंगे इस टाइम है ना, तो ये कटिंग जो है वो हम लगा देते हैं। इसकी थोड़ी सी टॉपियरी टाइप बनाना चाहती हूँ मैं। देखिए, एक ये नीचे बनाऊंगी गोला और एक ऊपर। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इन चीजों में, टाइम लगता है बस, लेकिन बन के बहुत खूबसूरत लगेगा ये। अब ये देखिए, थोड़ी मोटी कटिंग भी ले ली। मोटी कटिंग का ये है, थोड़ी मैच्योर जल्दी दिखेगी ये, है ना, और थोड़ी पतली कटिंग है उसमें रूटिंग फास्ट होती है, थोड़ा सा मैच्योर में टाइम लेती है, लेकिन वो जल्दी उसमें जो है वो जल्दी होती है, रूटिंग बहुत जल्दी होती है। छोटी कटिंग फाइकस की अच्छी रहती है लगानी। देखिए, इसको भी ऐसे ही लगा देंगे हम, देखिए ऐसे ही।
ये देखिए इसमें हम थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर मिला लेते हैं। वैसे जो हम रूटिंग हार्मोन लगाते हैं वो भी फंजीसाइड ही होता है। चलिए फिर भी जहाँ जहाँ तक हमारी कटिंग 2 इंच तक रहेगी वहाँ तक हम इसको मिक्स कर देते हैं। एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो हम 2-3 महीने में एक बार पौधों को दें तो उसमें कोई फंगस, एक ही चीज़ है ऑल इन वन, ना फंगस लगता है ना पेस्ट लगता है, और हमारे जो खाद के का भी काम करती है वो चीज़ मैं 1-2 दिन में आपको बताऊंगी कि क्या है, बड़ा मैजिकल चीज़ है वो आपको 2-3 महीने में एक बार ज़रूर देनी चाहिए। तो चलिए ये अब हमने तैयार कर लिया है, ये वही मेरी पुरानी मिट्टी है, लेकिन आपकी भी जो जो हम सॉइल मिक्सचर तैयार करते हैं ना, एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा बजरी, और उसमें आप आधा हिस्सा खाद डाल दें या फिर खाली मिट्टी और बजरी मिक्स कर लें वो चलेगा। अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो फिर आपको उसमें बजरी नहीं मिलानी है, फिर आपको मिट्टी में कोकोपीट मिलानी है, आधा आधा कोकोपीट और मिट्टी को मिक्स करके मिक्सचर तैयार कर लें, या फिर आप मिट्टी में आधी मिट्टी आधा परलाइट भी मिला सकते हैं। कोकोपीट यूज़ करें तो उसको 2-3 बार अच्छी तरह वार्म वाटर से वॉश कर लें उसके बाद यूज़ करें, नहीं तो आपके पौधों को नुकसान हो जाएगा। और पौधे का जो गमले का ड्रेनेज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब चलिए हम इन कटिंग्स को लगाते हैं। कटिंग को लगाने के लिए ऐसे देखिए ये जो होता है टूल, इसमें ये इतना होल है, ये आपको बताता है कि इतनी कटिंग या इससे थोड़ी सी कम इतनी कटिंग आपकी मिट्टी के अंदर जानी चाहिए। अब हमने देखिए कटिंग्स को सबको पानी में डुबो के रखा हुआ है ताकि ये डिहाइड्रेट नहीं हो। और सबसे पहले हम जो कटिंग लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं ये वाली जो थोड़ी सी मोटी है। हाथ में मैंने ये ले लिया है रूटिंग हार्मोन, क्योंकि मैं सारी डब्बी का पाउडर कंटेमिनेट नहीं करना चाहती। एक्स्ट्रा को टैप कर देंगे और देखिए इसको ऐसे प्लेस कर देंगे। ये देखिए शुरुआत इससे करी है हमने। ये देखिए ये दूसरी कटिंग लेते हैं। अब इस कटिंग को हम सिंगल कर देते हैं। ये 2 निकल रही हैं इसमें से ब्रांचेस, और जहाँ से पत्ती निकलती है ना, अभी मैं बताऊँगी, अभी इसमें नहीं दूसरी में। ये देखिए इसमें भी ये लगाते हैं और इसको यहाँ से प्लेस कर देते हैं इसको कट। बस पत्ता हम ना एक भी रखेंगे तो चलेगा, आधा भी रखेंगे तो चलेगा। और इस कटिंग को जब हम तोड़ते हैं ना, काटते हैं या लगाने के लिए, तो ये देखिए ये जैसे ये नोड है, ये जो जगह है जहाँ से पत्ती निकलती है, ये यहाँ से पत्ती निकली हुई थी, इससे थोड़ा सा नीचे से बस ऐसे काटना है हमको। ये जो एरिया है ना, यहाँ रूटिंग हार्मोन नेचुरल प्लांट में बनते हैं। अब ये क्योंकि हमारी कटिंग गीली है इसलिए ये इससे चिपक जाता है, और चिपक जाता है तो फिर इसको यूं करके हम इसमें प्लेस कर देंगे। ये देखिए हमारी कटिंग लग गई। कई लोग कहते हैं कटिंग तिरछी लगाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कटिंग तिरछी होनी चाहिए। अब पतली कटिंग है तो देखिए हम इसका पतला वाला साइड यूज़ करेंगे। ये इसमें कटिंग को हमने प्लेस कर दिया। तो ऐसे आप एक ही गमले में खूब सारी कटिंग लगा लें और इनका जो 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 कटिंग लग जाएंगी वो रहने देंगे, उनको बाद में हम रिपोर्ट कर लेंगे, और जो कटिंग नहीं लगेंगी उनको हम हटा देंगे। ये देखिए अब मैंने इसमें इससे छेद कर लिया, खूब सारे होल्स करती जा रही हूँ और इसमें कटिंग्स खूब सारी कटिंग्स लगाती जा रही हूँ। अब ये जो इस मौसम में कटिंग लगेंगी ना, इनमें आपको ऊपर प्लास्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अदरवाइज जब आप फरवरी में ये कटिंग लगाते हैं तो कटिंग ऐसे लगा के ऊपर से एक पॉलीथीन से इसको यहाँ से ढक देंगे। 2-3 ऐसे लंबी लंबी डंडियाँ लगाएंगे। मैंने बोगनविलिया की कटिंग में वो प्रोसीजर बताया हुआ है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। वो बोगनविलिया की कटिंग की वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इतनी लंबी लंबी जो खपच्चियाँ आती हैं ना, स्टेक्स आते हैं जो बांस के, वो 1, 2, 3, 4 स्टेक्स इतने ऊंचे ऊंचे जो आपकी कटिंग से ऊंचे हों, वो लगा के उसके ऊपर ऐसे पॉलीथीन चढ़ा के और यहाँ से बांध देंगे किसी चीज से। उससे क्या है, एक ग्रीन हाउस तैयार हो जाता है। लेकिन आजकल नहीं करना है हमें, मॉनसून में ये ग्रीन हाउस वाला काम नहीं करना है। मॉनसून में जो है वो हम इसलिए करते हैं कि मॉइस्चर मिले कटिंग को, लेकिन मॉनसून में तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत है, तो इसमें हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इस मौसम में वो पॉलीथीन वाला काम ना करें। सिर्फ आपको देखना है कैसे है तो मैं आपको लिंक डाल दूंगी अपनी पुरानी जो मैंने
बोगनविलिया की कटिंग लगाई थी उसका फरवरी में वीडियो, और वो कटिंग्स बड़ी अच्छी चल रही हैं। उस पर मैंने एक शॉर्ट बना के दिखाया है कि अच्छी चल रही हैं। उनको जब मैं आप रिपोर्ट करूँगी तो मैं उसकी वीडियो आपको बना के बताऊँगी कि कैसे उसको मैंने रिपोर्ट किया है। तो चलिए इसको ये होल में लगा प्लेस करते जाते हैं इन कटिंग्स को। ऐसे खूब सारी कटिंग आप लगा दें देखिए, और बस फिर उसके बाद हम इसमें, वैसे तो मिट्टी में पानी है लेकिन उसके बाद एक बार हम पानी दे देंगे। और देखिए कटिंग पे से मैं हटाती जा रही हूँ ये, और इसकी जो कटिंग होती है ना इसमें ग्रोइंग पॉइंट रहे तो ज़्यादा अच्छी चलती है। ये देखिए ये ऊपर वाला ये ग्रोइंग पॉइंट है ना साथ में, ये रहता है तो फाइकस की कटिंग अच्छी जल्दी स्प्राउट करती है। कई कटिंग्स में जैसे बोगनविलिया वगैरह में हमें वो टॉप नहीं रखना होता है, इसकी कटिंग में टॉप रह जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये देखिए ऐसी हल्की सी ब्राउन होगी तो वो और भी अच्छी रहती है। बाकी इसकी जो ग्रीन वाली कटिंग्स हैं उनमें रूटिंग जल्दी होती है और पौधा थोड़ा सा टाइम लगता है बड़ा होने में। बाकी आपने जो कटिंग ऐसी हल्की सी ब्राउन होगी तो वो और भी अच्छी है। ये देखिए ऐसे अब मैंने आपको सब तरह की कटिंग्स इसकी लगा के दिखा दी। ये देखिए ऐसे इतनी कटिंग आप एक गमले में लगा सकते हैं। और देखिए ये जो बचा है पानी ये ऐसे इसमें दे देते हैं पानी। ये पानी इसमें हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मिट्टी में पानी तो है, इसलिए दे रहे हैं कि जो एयर स्पेस कोई रह गई हो तो वो भर जाए। और बस इसको हमें किसी छाया वाले, छाया मतलब किसी बरामदे में या छज्जे के नीचे या ऐसे पौधों के झुरमुट में रखना है जहाँ पर कि इस पर डायरेक्ट बहुत रेन नहीं गिरे, क्योंकि कटिंग्स जो है ना वो हिलनी नहीं चाहिए। एक बार आप रख दोगे जब अच्छी तरह स्प्राउट होके जड़े हो जाएंगी तब तक आपको इसका गमला भी बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है। मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बोगनविलिया की कटिंग्स। ये देखिए फरवरी में मैंने बोगनविलिया की कुछ कटिंग्स ऐसे ही जैसे अभी आपको इसकी लगा के दिखाई है लगाई थी, और देखिए कितनी अच्छी चल रही हैं। अब मैं सोचती हूँ इनको इसकी रिपोर्टिंग कर दूंगी अभी 10-1 दिन बाद, तो क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं लगे हुए। वैसे इनकी रिपोर्टिंग ना सितंबर वगैरह में करें तो ज़्यादा अच्छी रहती है, तो मैं देखती हूँ अभी करूँगी या सितंबर में आपको वीडियो बना के बता दूंगी कि कब ज़्यादा अच्छी रहेगी। सितंबर में शायद करूँ तो और भी अच्छा रहे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय।